नमस्कार, आज हम एलजी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक का एक रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल नंबर की बात करेंगे, तो मॉडल नंबर ये अपना आ जाएगा T80SJRG1Z मॉडल नंबर आ जाएगा। अगर मॉडल नंबर के साथ हम कैपेसिटी की बात करें तो ये अपना 8 लीटर कैपेसिटी के साथ मिल जाएगा ये आपको। तो ये सबसे पहले हम इसकी डोर को देखते हैं। ये डोर अपना आ जाएगा, हाइड्रोलिक डोर आएगा, जो कि अभी के डेट का काफी बेस्ट हाइड्रोलिक डोर है। जो पुराना वाला वर्जन आता था जिसमें अपना गिरता था तो उसमें थोड़ा अंगुली वगैरह कुछ आने का डर होता था, वो अब खत्म हो गया है, तो ये हाइड्रोलिक डोर आ गया है। आगे हम और बात करें तो इसका टैंक की बात करेंगे, तो ये अपना जो टैंक आएगा, ये अपना टैंक जो है वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का टैंक आ जाएगा। उसके नीचे और हम देखेंगे तो इसमें अपना पल्सेटर भी आएगा जो कि काफी बेस्ट है। उसके बाद इसमें एक फिल्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये मैजिक फिल्टर हो गया और ये काफी अच्छा है। मैजिक फिल्टर हो गया कि अपना जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी अपना कपड़ा में डस्ट वगैरह रहता है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और पानी को साफ रखेगा ताकि वो कपड़े को अच्छे से वॉश करे कम पानी में। उसके बाद अगला फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जेट स्प्रे टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ये अभी का काफी बेस्ट है। जो कि पहले हम लोग वॉशिंग मशीन अगर देखा जाए एक तरह से, तो पहले वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़ा वॉश करते थे तो पानी का खपत ज्यादा होता था, लेकिन आज का जो वॉशिंग मशीन है उसमें हम अगर जेट स्प्रे टेक्नोलॉजी वाला ले तो इससे क्या होगा कि पानी का बचत भी आपका होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होगा। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ये बहुत सारा ऑप्शन आपको अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन आप परचेज करते हैं तो ये सारा ऑप्शन को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलजी का अगर मशीन है तो नॉर्मली आप कपड़ा को डाल दीजिए, डिटर्जेंट डालने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे आप डिटर्जेंट डाल दीजिए, कपड़ा को डाल दीजिए, उसके बाद इसका डोर जो है वो क्लोज कर दीजिए। नॉर्मली आपको करना क्या है कि पहले पावर बटन ऑन करना है, दूसरा यहाँ पे कपड़े का प्रोग्रामिंग दिया गया है यानी किस टाइप का आप कपड़ा धो रहे हैं, तो उस तरीके का प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे जो है वो आप आसानी से सेट करिए। अगर नॉर्मल कपड़ा है तो नॉर्मल पे हम सेट कर दिए, अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग पे सेट किए, और भी आप बहुत तरह का फैब्रिक कपड़ा का होता है, जैसा कपड़ा उसके हिसाब से यहाँ पे सेट करके स्टार्ट कर दिए। ये क्या करेगा कि यहाँ पे टाइमिंग जो है, डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइमिंग आपका सेलेक्ट करेगा, कितना मिनट में हमको धोना है, कितना मिनट में सुखाना है, ये सारा ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। आप ये जो बटन है यानी तीन बटन से इसमें आपका काम होगा, बाकी का बटन को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका हम डिजाइन की बात करें तो ये डिजाइन भी काफी खूबसूरत डिजाइन है, यानी ब्लैक कलर पे गोल्डन का यहाँ पे पेंट किया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर बोले तो ये रीगल डिजाइन, इसको भी हम लोग बोलते हैं ये रीगल डिजाइन है। काफी बेस्ट डिजाइन दिया गया है, काफी बेहतरीन डिजाइन है। और स्टार रेटिंग की हम अगर बात करें तो ये अपना 5 स्टार रेटिंग के साथ आएगा, जो कि पावर कंजम्पशन काफी कम करेगा और 8 किलो कैपेसिटी का आएगा। तो आज का वॉशिंग मशीन का रिव्यू इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।